जिस तरह से आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पे अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं, वहीं पे अगर हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर किया गया, उसके बाद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, उसके बाद जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर फिर से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया था। और भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि हर घर पे तिरंगा लगाना होगा, उसी को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने कल एक रैली निकाली जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और XMLA डोडा शक्तिराज परिहार खुद मौजूद थे और पूरे डोडा के अंदर जो है नेशनल फ्लैग लेके एक रैली निकाली गई। लोगों को अवेयर किया गया कि अपने घरों के ऊपर किस तरह से उनको नेशनल फ्लैग लगाना होगा और एक अच्छा मैसेज लोगों को दिया। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में लोग अपने घर के ऊपर जो है नेशनल फ्लैग लगाएंगे। JK247 न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। नेशनल फ्लैग लगेगा, मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे पास आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 75वें साल की यूम आज़ादी पे महाउत्साह, अमृत महोत्सव के नाम से एक भारत सरकार ने तय किया हुआ कि हर घर में तिरंगा लगे, हर घर में खुशहाली दिखे, उसके लिए हमने भी प्रयास किया, अपने लोगों से भी, अपने पार्टी के कार्यकर्ता से भी बोला हुआ कि आप पूरे पंचायत लेवल तक इस झंडे को लहराएं और घर घर जाके लोगों को समझाएं कि ये झंडा हमारे घरों में लगा रहना चाहिए और इसकी हिफाजत भी हमको करनी चाहिए। तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप आज से ही? इस बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लोगों ने आज से ही ये तिरंगा लगाना शुरू कर दिया कि पहली बार लोगों को ऐसा एक माहौल देखने को मिल रहा है कि एक हिंदुस्तान के आन शान बान जो एक तिरंगे के ऊपर होती है वो देखने को मिल रही है और उसी खुशी में लोग ऐसे ही तिरंगा लगाना शुरू कर रहे हैं। हमने भी अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पे बोल के रखा है कि आप पंचायत लेवल तक पहुँचे, हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, कोई घर खाली ना रहे कि जिस घर में तिरंगा ना लगा रहे। देखिए कुछ टाइम पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था कि हर सरकारी बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग लगेगा, और उसके बाद जब नेशनल फ्लैग लगाया गया फॉर्मेलिटी के तौर पर हमने देखा कि लगाया गया उसको, उसके बाद नेशनल फ्लैग कहीं पे गिरा था, कहीं पे नेशनल फ्लैग था ही नहीं, तो उन लोगों को क्या बताना चाहोगे जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जो आपके सवाल है ये बिल्कुल सही है और हमने उसके बाद हम भी अपने लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ये नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और खास करके सरकारी ऑफिस में, और जहाँ लगा नहीं है वहाँ भी लगना चाहिए। और मैं उस सरकारी अफसर के, जिला का जो अफसर है, उससे भी निवेदन करूँगा कि आप अपने ऑफिस में इसकी थोड़ी छानबीन कीजिए और इस झंडे की थोड़ी देखभाल कीजिए, जहाँ भी ऐसी उल्लंघना हो रही है वो उस पर एक स्पेशल एक बंदे की ड्यूटी लगाई जाए, जाके जो खाली उस झंडे को देखता रहे कि इस झंडे में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, झंडा ठीक से लगा हुआ है या उतर गया है, उसको देखभाल करने के लिए मैं उनसे भी निवेदन करूँगा। और कभी भी ऐसा हमें देखने को ना आए कि खास करके सरकारी ऑफिस में, स्कूल में, कोई भी सरकारी बिल्डिंग है उसमें ऐसा देखने को ना मिला जहाँ पे कहीं तिरंगे की कुछ गलत तरीके से वहाँ पर झंडा लगा हो, वैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमने DC साहब से भी निवेदन किया हुआ है कि आप भी अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करवाएं कि कोई भी ऑफिस ऐसा ना छूटे जिस पे तिरंगा ना लगे। घर घर